नमस्ते, आज मैं आप सब के लिए अपना दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ। और मैं यहाँ बताऊँगा कि हमारे जो DTH टाटा स्काई एयरटेल जो सिग्नल चला जाते हैं, तो हम उसे कैसे सॉल्व करना है। और हर किसी का घर में वो प्रॉब्लम होता है, तो टेक्निकल बुलाता है तो 300-400 रुपये खर्चा हो जाता है। तो हम आज आप सबको आसानी तरीका से हम बताऊँगा। और ये है टाटा स्काई बॉक्स और ये है टीवी, जो टीवी में अभी नो सिग्नल दिखा रहा है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करना है हम बताएगा। और ये है कनेक्टर, जब सिग्नल चला जाता है तो आप कनेक्टर को बॉक्स का पीछे से एक बार चेक कर लेना है, ये कनेक्टर सही है कि नहीं। ये पिन निकालना है और ये पिन नहीं सरना है। तो इसको हम फिर से घुसा देगा, ये ठीक है। उसका बाद ये जो नॉर्मल बॉक्स है और ये नॉर्मल का AV कोड लगता है, तो HDMI होने से HDMI लगता है। तो अभी आपको हम प्लेट में ले जाके दिखाएंगे। और ये है आपका प्लेट, जो ये एयरटेल डिश है और आपका अभी जो दिखाया था वो टाटा स्काई बॉक्स है। बॉक्स अगर ये टाटा स्काई होने से भी तो एयरटेल का डिश से चल जाएगा। तो अभी देखिए ये सिग्नल चला गया है इसका, ये पूरा ये हिला हुआ है। तो इसको अभी कैसे सिग्नल मिलाना है उसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे। और आप ऐसे वाला एक करीड लेना है, इसका DB में सेटेलाइट DB मीटर है, तो इसको करीड लेना है। खरीदने का बाद ये दुकान में आपका 400-500 में मिल जाएगा, तो इसको खरीद के आप सिग्नल को मिला सकते हैं। देख लीजिए, और ये देखिए, और अभी देखिए हम इधर मिला लेगा। और ये देखिए यहाँ में सिग्नल लाइट आना है, यहाँ में लाइट जल रहा है, दो तो लाइट देखिए जलना है। यहाँ पे अगर लाइट नहीं आएगा तो कहीं आपका वायर डबल कनेक्शन होगा। तो ये साउंड देखिए, साउंड दे रहा है, ये साउंड को देख लीजिए, ये साउंड दे रहे हैं। हाँ, उसका बाद अब अभी ये जो यहाँ पे सेटेलाइट फाइंडर, यहाँ पे आपका ये LNB जो LNB में चला जाएगा, उसका बाद ये जो टॉर्च जो आपका लाइट कनेक्शन TV का उधर रिसीवर में चला जाएगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं आपका। और एक ध्यान देना है, ये जो आपका LNB जो एयरटेल का इस साइड होता है राइट साइड में, उसका बाद अभी लेफ्ट साइड में आपका टाटा स्काई का, ये LNB को भी ध्यान देना है, LNB को भी ठीक से ध्यान देना है। अभी ये DB मीटर को हम पाइप में रख देगा, पाइप में रख के अभी हम इसको मिलाएगा। अभी हमको तो पता नहीं है, इधर पूरा जंगल है और यहाँ में सिग्नल कौन सा तरफ में मिलता है, अभी हम इसको चेक करना पड़ेगा। इसको कस लेना है ठीक से। कसने के बाद धीरे धीरे इसको मिलाना है। ये जो बीप है, ये बीप को आप ध्यान दीजिए, ये बीप जो जहाँ में बीप ज़्यादा होता है वहाँ में सिग्नल है। ये जिसका भी सिग्नल है, जिस TV हो, टाटा इसका एयरटेल हो, किसी का ना किसी का सिग्नल है, वही जगह में आप थोड़ा अच्छा से धीरे धीरे से घुमाना पड़ेगा। अभी बीप खत्म हो गया, देखिए अभी सिग्नल आ गया हमारे यहाँ पे। अभी देखिए ये जो 10% में आ गया, 10% में पूरा हो गया। अभी सिग्नल आपका, इसको पूरा कस लेना है। कस लिया, अभी इसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी मेन रिसीवर से LNB में डायरेक्ट कनेक्शन देगा। अभी हमारे जो सिग्नल सॉल्व हो गया,
आसानी से। अभी आपको हम टीवी में ले जाके दिखाऊंगा। और पहले जो सिग्नल नहीं आ रहा था, अभी सिग्नल आ गया, देखिए पूरा। अभी ये सेटिंग में जाके आपको सिग्नल को देखना है। कल का दिन हमारे लिए लकी होना चाहिए। अगर चाबी ना भूले तो आज हम लौट आएंगे। देखिए अभी 60% और 90% आ गया यहाँ पे। उसका धंधा मैं अभी बेक कर देता है। और हाँ, आप सब इतना आसानी से ये सिग्नल को पाइन आउट कर सकते हैं, आसानी से आप सिग्नल को मिला सकते हैं, और किसी को बुलाना जरूरी नहीं है। आप ये एक डीबी मीटर लेने का बाद उसका बाद सब कुछ हो जाएगा। और आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए प्लीज़।